थाने को गोपनीय सूचना मिली थी कि एक आईएसएम चौपहिया चालक अपने मारुति सुजुकी रिट्ज में बस स्टॉप के पास अवैध रूप से विदेशी शराब बिक्री के लिए ले जा रहा है। कार रोककर वह कार छोड़कर भाग गया। जब कार जब्त कर जांच की गई तो पुलिस टीम ने 4,22,000 मूल्य की अवैध शराब और 3,00,000 की एक वाहन को जब्त कर लिया है। गोपनीय जानकारी के अनुसार प्रभारी अधिकारी पीओ ने ही उक्त चार पहिया वाहन चालक पर नजर रखते हुए विपिन शेवाल मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई। जब उक्त कार चामोशी बस स्टॉप के पास आई और पुलिस टीम ने उसे रोक लिया, लेकिन उक्त चालक ने कार रोक दी और कार छोड़कर भाग गया। 800 रुपए मूल्य 336 बोतलें, 21,600 रुपए की हार्वर्ड बियर की 72 टीन, 3,00,000 मूल्य की मारुति सुजुकी वाहन और 4,22,000 रुपए मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई। अज्ञात चालक के खिलाफ महाराष्ट्र शराब अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अनुमंडल पुलिस अधिकारी प्रणिल ने बताया कि पुपानी सुधीर साठे गिल्डा और पुलिस निरीक्षक विपिन शेवाले के मार्गदर्शन में आगे की जाँच कर रहे हैं। खामोशी से बीसीएन न्यूज के लिए बवन वड़ट्टीवार की रिपोर्ट।